अच्छा हमने ये पढ़ लिया था लिमिटिंग विड्थ कि हम जो भी एक तो स्टैंडर्ड विड्थ देते हैं और हम मिनिमम मैक्सिमम विड्थ देते हैं। अच्छा कोई मुझे ये बता सकता है कि जो क्योंकि मैंने कहा था कि भाई प्रैक्टिस कीजिएगा इसको करके देखिएगा, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे वो पूछ सकते हैं आप, तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पहले मैं उसका आंसर करना चाहूँगा। बटन दबा दो, ये मिरर हुआ है इस पर, ये ऑटो ना ऑन नहीं होता, पता नहीं इसको क्या हो गया। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो पूछ ले, अदरवाइज फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये तो होगा, भाई या तो तुम पूछ लो या तो मैं पूछ लेता हूँ, फिर नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन, चलो फिर मैं पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताओ, सोच के ज़रा, कि मैंने एक बॉक्स को विड्थ दिया हुआ है 600 पिक्सल, अच्छा और मैंने मिनिमम विड्थ उसको दिया हुआ है 300 पिक्सल, तो अब वो बॉक्स तो है ही 600, तो वो मिनिमम पे तो आएगा ही नहीं, तो मिनिमम विड्थ मैंने क्यों दी उसको, या मिनिमम विड्थ देने की जरूरत कब पेश आ सकती है? कोई ऐसा सिनेरियो बता सकते हो मुझे कि जिसमें मिनिमम विड्थ देने की मुझे जरूरत पेश आए? वो तो 600 दिया मैंने उसको, एक तो ये ना कि मिन मैक्स दे दूँ तो वो उसके बीच में फ्लोट करेगा, सही है ना, उसके बीच में वो फ्लोट करेगा, लेकिन मैंने उसको दिया 600 विड्थ, मिन मैक्स नहीं, स्टैंडर्ड विड्थ मैंने 600 दिया उसको। अच्छा फिर मैंने मिनिमम विड्थ उसको दे दिया 300, तो वो तो 600 से नीचे आएगा ही नहीं, मतलब क्या आना चाहिए उसको 600 से नीचे? छोटे डिवाइस पे क्या जी? नहीं वो अगर खाली भी होगा ना बॉक्स, मैंने उसको कह दिया कि भाई तू 600 हो जा, अगर वो खाली भी होगा तो वो 600 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कंटेंट उसमें मैं नहीं भी डालूं, अगर अभी कह रहे हो कि कंटेंट पे टाइट होता है, वो तो उस सूरत में कि जब मैं स्टैंडर्ड विड्थ ना दूँ, मिन मैक्स दूँ जरूर जी। नहीं तो ये बैकग्राउंड कलर तो ये आप सही कह रहे हैं, जितनी उसकी विड्थ होगी एट अ मोमेंट, एट अ गिवन मोमेंट जो उसकी विड्थ होगी बैकग्राउंड कलर उतने पे ही दिखेगा, ये तो ऑब्वियस बात है। लेकिन ये मेरा सवाल है कि मैंने उसको दे दिया 600 और स्टैंडर्ड विड्थ कि भाई विड्थ इक्वल 600 पिक्सल, फिर मैंने ये भी दे दिया कि मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल, मिन विड्थ, तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या मेरा वो मिन विड्थ देना बेसूद है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे वो फॉल बैक करके 300 तक आ सकता है? जी जी क्या करते जाते हैं, बड़ा हो जाता है, ये तो मेरे ख्याल इनपुट बॉक्स की तुम बात कर रहे हो, इनपुट बॉक्स की बात कर रहे हो ना, टैक्स एरिया की असल में तुम बात कर रहे हो कि जैसे सेकंड थर्ड लाइन लिखते हैं वो बड़ा होता चला जाता है, ये तुम टैक्स एरिया की बात कर रहे हो, तो वो तो खैर एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, उसके अंदर ही हम बता देते हैं कि मैक्सिमम लाइंस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम लाइन उसमें बताते हैं, वो विड्थ की प्रॉपर्टी नहीं देते उसमें। अच्छा तो मोर और लेस आप दो लोगों ने सेम बात की, इन्होंने भी यही कहा कि यार जब स्क्रीन छोटी होगी तो वो भी छोटा होगा साथ में, भाई क्यों छोटा होगा, मैंने 600 बोला था उसको। नहीं देखो एक तो तुम बता रहे हो कि कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो इस हिसाब से डिज़ाइन हुए हुए होते हैं कि छोटी स्क्रीन पे भी सही फिट हो जाते हैं, ये सही है, मैंने ये मान ली, मैंने तो नहीं बोला ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे केस में मैंने एक बॉक्स को 600 विड्थ दिए और मिनिमम विड्थ मैंने दी उसको 300, तो मेरा ये सवाल है कि क्या मिनिमम विड्थ देना मेरा बेसूद है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, या कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि वो 300 पे आ जाएगा? जी तो
ये करके देखा आपने? अच्छा, करीब करीब इन्होंने बात कर दी है, लेकिन इस केस में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी इसमें ये हो सकती है। इन्होंने कहा कि चलो पहले स्क्रीन बड़ी होगी 600 तक वो ले लेगा बिट, लेकिन जब स्क्रीन छोटी होगी तो वो क्या करेगा, वो 300 पे आ जाएगा, इन्होंने ये कहा। लेकिन इस लेकिन इन्होंने ये भी कहा मैंने करके नहीं देखा। इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो 600 ही रहे और वो स्क्रीन से बाहर चले जाए, ठीक है ना, 600 उसको चाहिए, मतलब स्क्रीन 300 की, तो क्या होगा वो स्क्रीन से बाहर निकलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो मिनिमम विड्थ वाले पे आ गए। तो क्या कोई यहाँ पे बैठा हुआ बंदा फॉर श्योर ये बात कह सकता है कि कौन सी वाली पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे एक्चुअल? ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, दोनों मेक सेंस है। दूसरी वाली का सेंस ज्यादा है कि वो मिनिमम विड्थ पे आ गए। जी नहीं, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक बना लेता हूँ ना बॉक्स में, VS कोड मैंने ओपन किया और मैं ओपन कर लेता हूँ आपकी क्लास का कोड बैच 8। थोड़ा सा इसको जूम इन हम भी कर लेते हैं। अच्छा, ये एक पेज हमारा बना हुआ है कॉपी पाथ, और ये मैंने गूगल क्रोम पे इसको ओपन कर दिया। अब मेरे पास जो है ना एक ये, चलो एक नया बॉक्स बना लेते हैं, इस हेडिंग के नीचे ना एक नया बॉक्स बना लेते हैं। एक मैंने डिव बनाया, इसके अंदर मैंने लिखा भाई अ बॉक्स, जस्ट अ बॉक्स लिख दिया, और मैंने इस पर क्लास क्या लगा दी, बॉक्स। अब इस पे मैं जाके कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा डॉट बॉक्स, और इस पे मैंने क्या दे दिया, विड्थ। मेरी स्क्रीन कितने की होगी, 1000 पिक्सल की होगी, सही है। अच्छा, वो अभी तो दिखेगा नहीं ना, जब तक मैं उसको कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं दूंगा वो मुझे दिखेगा नहीं। तो मैं इस पर लगा देता हूँ बॉर्डर, सही है। मैंने कहा भाई बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। अब ये मेरे पास, नोट कर रहे हो, मेरी स्क्रीन 1000 पिक्सल से कम की थी एक्चुअली। अच्छा, 1000 पिक्सल से ज़्यादा की, लेकिन मैंने जूम इन किया होगा। अच्छा, आप नोट कर रहे हो मेरी स्क्रीन आई थिंक शायद 1400 पिक्सल की है राइट नाउ। जब मैंने जूम को ज़ीरो किया ना, कंट्रोल प्लस ज़ीरो दबाया, तो वो जूम रीसेट हो गया। अब अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है, स्क्रीन पे 1000 पिक्सल अवेलेबल नहीं है विड्थ। तो वो क्या कर रहा है, उसको 1000 पूरा चाहिए, वो बाहर जा रहा है। अच्छा, बाहर ना सिर्फ बाहर जाएगा बल्कि नीचे एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी एक लेकर आ रहा है। अगर आप नीचे देखें तो एक स्क्रॉल बाहर यहाँ पे शो कर दिया उसने, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे जगह नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्यूमेंट पूरा डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इस पर लगा देता हूँ मिन विड्थ 300 पिक्सल, तो अब क्या होगा, क्या मेरा ये मेन विड्थ लगाना बेसुध है, या जब स्क्रीन छोटी होगी तो वो 300 पे आ जाएगा? तो देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया मैंने और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी जब मैं जूम इन कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है। मैक्स की तो मैंने बात ही नहीं की ना शुरू से ही, मैक्स की मैंने बात की है शुरू से नहीं की ना। चलो मैक्स दे के देख लेते हैं, ठीक है। मैक्स वर्थ मैंने दे दी है रिफ्रेश, अब मैंने इसको किया ज़ीरो, और अब मैंने इसको किया प्लस 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 प्लस, और अब ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, सही है। तो हमने क्या सीखा इससे, इससे हमने ये सीखा कि जब भी आप प्रैक्टिस करके नहीं आएंगे तो पता चल जाएगा। अब दूसरा हमने ये सीखा कि जब हम मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ देते हैं तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो देखना पड़ता है हमें कि हमें मिनिमम की तरफ
रेट करना है या मैक्सिमम की तरफ रेट करना है, तो उस हिसाब से हम सिलेक्शन करते हैं। समटाइम हम तीनों दे देते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, सही है। समटाइम हम सिर्फ दो देते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम, और कोई स्टैंडर्ड वेथ हम डिफाइन करते ही नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। आमतौर पर मिनिमम मैक्सिमम को ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि एक मिनिमम विर्थ दे देते हैं और एक मैक्सिमम विर्थ दे देते हैं। अच्छा, मिनिमम विर्थ का मकसद ये होता है कि अगर मेरे पास कंटेंट कम है तो वो उससे छोटा ना हो बॉक्स, ठीक है, और अगर मेरे पास कंटेंट ज़्यादा है तो एक पॉइंट से ज़्यादा वो मैक्सिमम ना जाए, ठीक है। आमतौर पर इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन आप मुख्तलिफ वेरिएशन इसकी कर सकते हैं, ठीक है। तीन आपके पास आइटम्स हैं, तीनों के आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन, मतलब ए बी या ए सी या सी ए, ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो हम चलते हैं जनाब, कहाँ चली गई बुक? अच्छा, इसको हम कर देते हैं लास्ट में, और हम बुक को कर देते हैं सबसे फर्स्ट पे, और कोडिंग को कर देते हैं हम थर्ड, ठीक है। तो हमारे पास पहले बुक है, फिर ब्राउज़र है, फिर कोड है। अच्छा देखो भाई, एक बात समझ लो, अगर बुक को ख़ुद से नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें ना समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। बुक में बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं जो ज़ाहिर है क्लास के दौरान मैं एक एक बात बता नहीं सकता। ये वो वाली चीज़ें जो एक बार पढ़ के ख़ुद से भी समझ आने वाली है, तो वो सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर सकता। ऑन अदर एंड बेहतर अप्रोच ये है, एक तो ये अप्रोच है कि मैं हर चीज़ एक एक ढूंढ ढूंढ के नोट्स बना लूँ अपने पास, और वो नोट्स आके एक एक करके डिफाइन करके चल रहे हैं, ठीक है, कि मेन विर्थ क्या करता है, मैक्स विर्थ क्या करता है, जो कि बुक में मोर और लेस यही हुआ हुआ एक्चुअली। ये नोट्स बने हुए एक एक इसमें क्या उसको कहते हैं, एक एक रूल है सीएसएस का, और उसके अगेंस्ट कुछ छोटा छोटा उन्होंने नोट्स लिखा हुआ है, तो ये मोर और लेस वही काम हुआ है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप ये सारी चीज़ें स्टडी करके पहले से आओ, और हम इसके आगे की कोई बात डिस्कस करें, हम कोई ऐसी बात डिस्कस करें कि यार अभी जो है लोग वेबसाइट को फ्लेक्सिबल करने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या कर रहे हैं, अभी मार्केट में क्या हो रहा है, अभी जो रीसेंट वेबसाइट्स बन रही हैं उनमें क्या यही तरीका अख्तियार किया जाता है जो बुक में, या कुछ वो चेंज हो गया। तो इस तरह की हम कोई बात डिस्कस करें, हम कुछ बना कर देखें, यहाँ पर आप लोगों से कोई ओपिनियन हो, शेयर हो, ठीक है, लेकिन उस लेवल तक पहुँचने के लिए कि आप किसी बात पर कॉमेंट कर सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, देखो इस बुक में भी जो बात लिखी हुई है ना, ज़रूरी नहीं है कि सारी सही हो। एग्री करोगे इससे मेरी बात से? शायद कुछ लोगों को मेरी बात ना ये बहुत अजीब लगेगी, यार बुक में कैसे गलत हो सकता है, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल। कि स्कूल्स में तो हमें ये थिंकिंग, एक थॉट जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि बुक में सब सही लिखा हुआ है, और हम बुक से ही क्वेश्चन का आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सिखाते आमतौर पे। जो मेरे ज़माने में तो यही था एटलीस्ट, अभी चेंज हो गया तो और बात है, तो वो बुक में बताते हैं कि सब सही लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको इस तरह से सोचें कि जिस बंदे ने बुक लिखी है वो भी एक आदमी था, इंसान था, और जाहिर है बुक एक बार लिख दी जाती है तो उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती फिर बाद में, और उसके नए एडिशन आते हैं लेकिन एक हद तक ही उसमें चेंज होता है, उसके बाद वो फिक्स हो जाती है वहाँ पर, और ये बुक थोड़ी पुरानी भी है। तो इस बुक में लिखी हुई हर बात ज़रूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि एक इंसान ने तो लिखी है ना ये बुक, और देख के कहाँ से लिखी है, जो इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है HTML की और CSS की, वहाँ से देख के लिखी है। तो मोस्ट पॉसिबल है कि वो डॉक्यूमेंटेशन ही चेंज हो रही हो, ठीक है। तो इस लेवल तक आने के लिए कि इस बुक में लिखी हुई किसी बात पर आप कॉमेंट कर सकें, अपना इजहार ख्याल कर सकें, अपना ओपिनियन दे सकें आप यहाँ पे इस क्लास में, इसके लिए ज़रूरी है कि ये ना सिर्फ ये पूरी बुक आप पढ़ें, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, पूरी की बात नहीं कर रहा, जो भी चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं वो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा हो, उसकी एक एक चीज़ को आपने स्टडी किया हो इंटरनेट पर, कि मिन विर्थ आप लिखेंगे ना जब, तो मिनिमम विर्थ पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं लोगों ने, वास्ट टॉपिक है ये, जैसे ये मैंने आपसे एक सवाल पूछा, इस सवाल पर पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है किसी ने, कि भाई मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है, फिर स्टैंडर्ड विर्थ भी दी हुई है, तो क्या सीन क्या किया है, क्या करना चाह रहे हैं, तो इस पर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। अब वो वाली बात मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको बेसिक मसला ही नहीं पता कि इसमें मसला हुआ हुआ क्या है, लोगों को क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए
या मैं उस लेवल की बात करूं उसके लिए आपका ज़रूरी है कि आपने एटलीस्ट ये चीज़ पढ़ी हुई हो, ठीक है, इंटरनेट पर 3-4 जगहों से अलग अलग इसके बारे में कुछ पढ़ा हो, रीड किया हो। अच्छा, और देखो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो गए हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सॉफ्टवेयर डेवलपर ना वो नहीं होता जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं होता, वो तो कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट होता है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं सारी, जो भी हैं 4-5 जो मेन स्ट्रीम की हैं वो सारी उसको आती होंगी। अच्छा, मुझे सारी नहीं आती, पढ़ी है मैंने सारी, लेकिन आती मुझे जावा स्क्रिप्ट ही है, ढंग से आती है थोड़ी बहुत, या थोड़ी बहुत उससे आती है तो सी लैंग्वेज आती है, बाकी सारी पाइथन वाइथन भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, लेकिन ढंग से जो आती है वो जावा स्क्रिप्ट आती है, एक ही लैंग्वेज आती है और उसी पर काम करता हूँ। तो मुझे 10 साल हो गए ऑलमोस्ट, अभी 2012-13 से शुरू किया था, अभी 2022 कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट नहीं भैया अभी शुरू हुआ है 10 साल अभी नहीं हुए। तो मैंने इस टाइम में ये सीखा है कि जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ना वो एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपर फिर कौन है? सॉफ्टवेयर डेवलपर वो है कि एक नई API मार्केट में आई, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि वो मेरे लिए भी न्यू है, वो बाकी लोगों के लिए भी न्यू है, सबके लिए न्यू है वो, सही है, तो उसको पढ़ना, उसको पढ़ के इम्प्लीमेंट करना, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम राइट नाउ एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन वो की होती है काइंड ऑफ, फ़र्क ये है कि जो API की डॉक्यूमेंटेशन होती है वो उनकी वेबसाइट पर लिखा होता है गेटिंग स्टार्टेड करके, वहाँ पर पूरा बताया होता है, ये PDF के फॉर्म में चीज़ देखी है, लेकिन तो उसको पढ़ के उसको API को इस्तेमाल करना, ये हम कर रहे होते हैं सारा टाइम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसी का नाम है। अच्छा, तो उसके लिए ना आपको इतना तेज़ होना चाहिए कि आप कोई भी API आपके सामने आ जाए ना, आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं अभी इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूंगा 1-2 दिन में, और फिर मैं इसका सैंपल बना के ना क्लाइंट को दिखा दूंगा कि भाई ये सैंपल बन गया, अब बता दो क्या बनाना है इसको, ये कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए आपके अंदर। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के इसको इम्प्लीमेंट करना, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ठीक है। बाकी सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेना, जो सारे अभी हम यहाँ पे, मैं क्या करवाता हूँ, मैं ये करवाता हूँ जितने टूल्स अवेलेबल हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ठीक है ना, कि ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी हो जाता है। API में भी यही होता है, अगर मिसाल के तौर पर एक वेदर की API है, हम इंशाल्लाह यूज़ भी करेंगे इसी क्लास में, अब एक वेदर की API है, ओपन वेदर के नाम से एक सर्विस है, वो वेदर की API देती है आपको। अब वो उसके अंदर ना डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है कि भाई आपको करंट वेदर भी मिल जाएगा, 4 दिन का फोरकास्ट भी मिल जाएगा, 7 दिन का फोरकास्ट भी मिल जाएगा आपको, जो है वो क्या कहते हैं, स्नो वगैरह की प्रिडिक्शन भी मिल जाएगी, और आपको बारिश की प्रिडिक्शन भी मिल जाएगी, प्रेसिपिटेशन जो है। अच्छा, फिर किसी भी सिटी का नाम दिख के भी आप सर्च कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिख के भी सर्च कर सकते हैं, अगर आपको नाम नहीं पता, अगर आप करंट लोकेशन उस तरह से मिल रही है तो। अच्छा, तो इस तरह मुख्तलिफ उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। तो अब डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना यही होता है कि मैं उन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो जाऊँगा कि अच्छा यार ये ऑप्शन अवेलेबल है, फिर उनको मैं जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़े उसको इस्तेमाल करूँ। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का ना काम ही यही है कि वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता है, उस चीज़ को इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो। मैं जब पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहा था तो मुझे ये बातें नहीं पता थी, तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में सी लैंग्वेज पे सीखा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉलेज में एक टीचर मिल गया था मैं बड़े अच्छे, नौशाद आरजू साहब, तो उनसे हमने सीखा था। तो उसमें लाइब्रेरीज़ होती हैं STDIO करके, कौन आयो लाइब्रेरीज़ होती हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो मुझे लगा ना शायद यही है सब, तो मैंने ना उसके अंदर ही, उसका जो जैसे VS कोड है हमारा, उसके अंदर टर्बो सी होता था, उसके अंदर हेल्प में जाके ना वो पूरा मैंने याद कर लिया सारी कमांड। अच्छा, जब मैंने याद कर लिया मैं खुश, मैंने कहा मुझे तो पूरी सी लैंग्वेज आ गई, ठीक है। आप में से भी बहुत सारे लोग खुश होंगे, सारे CSS के रूल याद कर लिए, आपने बोला भाई सारी CSS आ गई, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। अच्छा, फिर जब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि यार लाइब्रेरीज़ की जो तादाद है ना वो तो मिलियंस में है, सी लैंग्वेज की अपनी जो लाइब्रेरीज़ हैं मिलियंस में लोगों ने लाइब्रेरीज लिख के रखी हुई हैं, जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो इस्तेमाल करते हैं, और हर लाइब्रेरी के अंदर कोई 200-500 के करीब फंक्शंस होते हैं,
जिनको इस्तेमाल करने का तरीका उस लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। मैंने कहा ये लो, ये तो सीन हो गया, इतनी मेहनत से हमने सारा याद किया था, अभी वो तो उससे उस लाइब्रेरी से जो एसटीडी आया हुआ है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, उसमें तो सिर्फ स्क्रीन पे प्रिंट होना और इनपुट लेना यूज़र है, ये दो काम होते हैं उसके अंदर। वो सारे मैंने सीख लिए, सारे तरीके मैंने याद कर लिए उसमें से, लेकिन पता ये चला कि भाई लाइब्रेरी तो बहुत सारी हैं और भी। तो इसी तरीके से हम जो अभी ये सीएसएस सीख रहे हैं, ये तो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काइंड ऑफ चीज़, इसको हम कह सकते हैं, ये तो आपको आनी चाहिए, पूरी आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको साथ साथ ये आना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। उससे होगा ये कि आप जब यहाँ से निकलेंगे, जब आप यहाँ पे भी बल्कि आप जो ऐप्स बनाएंगे, अभी थोड़े दिनों में हम इंशाल्लाह फुल फ्लैश ऐप्स बनाना शुरू कर देंगे, तो उसमें हम मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरीज मैं आपको दूंगा जो आपने पहले यूज़ नहीं की होगी, ना मैं पढ़ाऊंगा आपको, आपको मैं नाम बता दूंगा खोल के लिंक उसका, और वो देख के आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे, लेकिन अभी से ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। देखो बुक, हम लोगों को ना जो पीछे हो गया वो हो गया, उस पर ना अभी सांप गुजर गया, उस पर आप लाठी मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। उसकी लकीर जो बनी है उस पर एक मुहावरा कहते हैं कि सांप गुजर गया और लकीर पे लाठी मारना, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो हमने जो स्कूल में किया, जो कॉलेज में किया, बुक पढ़ने में बोला नहीं जाता था, मुझे भी कभी नहीं बोला। मैं भी जब आपकी तरह ही बैठा हुआ था, मैं अभी सैलानी से ही पढ़ा है, मैंने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पहले भी थोड़ी बहुत आती थी मुझे, तो यहाँ पे आके ना मुझे पता चला अच्छा यार बुक भी पढ़नी पड़ती है। सी लैंग्वेज की बुक तो मैंने खुद ही पढ़ दी थी, ऐसी इंटरेस्ट हो गया था मेरा, तो यहाँ पे आके मुझे पता चला कि अच्छा यार 6-8 books, 10 books मुझे पढ़नी पड़ेगी थ्रू आउट द कोर्स, तो मेरे लिए बड़ी फैसिनेटिंग बात थी। अच्छा, तो फिर अब जब गोरों के साथ काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई गोरे जो बुक को पढ़ते हैं ना, वो ऐसा करते हैं उस बुक के साथ कि किसी और के पढ़ने के काबिल नहीं छोड़ते वो, क्योंकि वो शुरू से आखिर तक पूरा उसको पढ़ते हैं, असल में पढ़ते हैं, वाकई में। हम लोग जो है ना बुक जिस तरह पढ़ते हैं, इन स्कूल में जो हमारे बुक होता था, हमें कहते हैं यार चलो खड़े होकर रीडिंग करो, यही होता है, कहते हैं खड़े होकर रीडिंग करो, उसके बाद टीचर बताता है यार फला पेज में ना यहाँ से लेके यहाँ तक निशान लगा लो, क्वेश्चन का आंसर है, यही होता है अभी भी, या चेंज हुआ है कुछ? वो कहते हैं यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लो। हालांकि होना ये चाहिए असूलन के स्टूडेंट को बोले टीचर कि बेटा ये चैप्टर आपने पढ़ लिया, इससे आपने क्या सीखा, लास्ट में क्वेश्चंस लिखे हैं उसका आंसर फाइंड आउट करो और फिर मुझे बताओ, ताकि मैं जज करूं कि आपने सही आंसर फाइंड आउट किया कि नहीं किया। तो ये हमसे नहीं करवाया गया, ठीक है। लेकिन अब हो गया, वो तो बुक पढ़ने की आदत हमें नहीं डाली गई, कॉलेज में भी नहीं डाली गई, यूनिवर्सिटी में भी बुक पढ़ने की आदत नहीं डाली गई, लेकिन जो हो गया वो हो गया। अब आगे क्या करना है ये आपके हाथ में, आगे क्या करना है ये आपके हाथ में, टोटली आपके हाथ में। और जो तरक्की याफ्ता कौम है उनसे, उनको हम देख के सीखना चाहिए उसको कि वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे तरक्की किया उन्होंने। तो वो भाई बुक की, अगर उर्दू बाज़ार में जाओ ना, जो ओरिजिनल बाइंडिंग की बुक्स होती हैं उनको कभी देखना उठा के, वो तार से उसको बाइंड करके ना जकड़ के सिला हुआ होता है, वो उसकी पूरी तारे वारे सब बाहर निकाल देते हैं, और वो बुक इतनी पतली बुक ना इतनी मोटी कर देते हैं, क्योंकि जब आप एक्चुअल में पढ़ते हैं तो वो पेजेस कोने कोने से मुड़ जाते हैं, इतनी मोटी हो जाती है बुक, और वो किसी दूसरे बंदे के पढ़ने के काबिल नहीं छोड़ते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है हमारे यहाँ जब बच्चा 9th class में जाने वाला होता है, उससे 6 महीने पहले एक आवाज़ लगा दी जाती है पूरे ख़ानदान में कि हाँ भाई किसके पास पढ़ा हुआ है 9th का कोर्स, ले आओ। तो 9th का कोर्स आ जाता है, 1 महीने पहले आके रखा हुआ होता है, बच्चे को पता होता है मेरा कोर्स है, उसको पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं 1 महीने पहले ही कि 1 साल में पता नहीं हो पाए नहीं हो पाए, पहले से पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन वो पढ़ाते इस तरीके से हैं, साथ में एक तलकीन भी करते हैं कि एक भी पेज फटना नहीं चाहिए, अगर पेज में कहीं पे लिखोगे तो पेंसिल से लिखना है ताकि वो बाद में मिटाया जा सके उसको, ठीक है। बुक साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, उसमें जिल्द विल्द भी लगा के देते हैं परफेक्ट करके, खूबसूरत करके। उसके बाद फिर क्या होता है, पूरा साल उससे पढ़ते हैं आप, मेरे साथ भी यही हुआ है, ये मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ आपको, पूरा साल उससे पढ़ते हैं। उसके बाद वो छोटे भाई के लिए, क्योंकि वो भी 1 साल बाद आने वाला है 9th में भी, उसके लिए रख दी जाती है वो। अच्छा, फिर वो पढ़ता है पूरा,
पेज नहीं फटना चाहिए लेकिन, और बुक गंदी भी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी रहनी चाहिए। उसके बाद खानदान में एक आवाज़ लगा दी जाती है कि भाई किसी का है बच्चा जो नाइन्थ में जाने वाला है तो ये उसके पास चला जाएगा, अदरवाइज ये जिस बुक स्टॉल से आई थी उसी बुक स्टॉल में वापस आधे कीमतों पर फरोख्त, और वो जो आधे पैसे हैं उससे मिला के अब अगले साल की बुक। तो ये बुक की खरीदो फरोख्त तो बहुत हो रही है लेकिन उससे जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो लेकिन ये हो गया, अब ये नहीं करना, अब बुक को पढ़ना है। अच्छा, अब तो पीडीएफ में अवेलेबल है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है। मेरा नहीं ख्याल कि इस क्लास में शायद ही कोई हो जिसके घर पे स्मार्टफोन ना हो, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं हो, ये तो चलो मान सकता हूँ, स्मार्टफोन ना हो घर पे ये मैं मान नहीं सकता। तो फ़ोन पे आप डाउनलोड करें, व्हाट्सएप में पे भेजा हुआ है सबने बुक, डाउनलोड करें आराम से, घर पे लेटे लेटे भी आप इसको पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट पढ़ने की हद तक। और बेहतर तो ये हो कि आप लैपटॉप पर इसको पढ़ें, साथ साथ प्रैक्टिस भी करें, जो लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करके देखें। अच्छा, तो हमने मिनिमम मैक्सिमम वर्क किया, तो प्लीज़ इससे आप थोड़ा खेल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ताकि फिर मैं भी डिस्कशन कर पाऊँ, लेकिन अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं। लिमिटिंग हाइट, जो चीज़ सेम चीज़ हम विड्थ के साथ कर सकते हैं वही हम हाइट के साथ भी कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम की हम एक क्या कहते हैं लिमिट लगा सकते हैं उसके ऊपर कि भाई इतने से ज़्यादा। अब कौन मुझे ये सोच के बताएगा, यह इसमें लिखा हुआ भी है, विड्थ का तो केस ये है कि जब स्क्रीन बड़ी छोटी होती है तो विड्थ चेंज होती है, हाइट कब चेंज होगी? नहीं, वो जब रोटेट होगा तो वो स्क्रीन की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी ना, उसमें भी विड्थ चेंज होगा, हाइट चेंज नहीं होती। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक वेब पेज की हाइट क्या होती है? एक वेब पेज की जो हाइट होती है वो क्या होती है? नहीं, देखो आपका जो स्क्रीन है ना उसकी हाइट होती है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट की हाइट नहीं होती, क्योंकि वो तो स्क्रॉलेबल है ना, वो जितना डालते जाओ नीचे वो जाता चला जाएगा, बहुत जितना स्क्रॉल करते जाओगे आप नीचे डॉक्यूमेंट आता जाएगा, तो है तो आता जाएगा। तो हाइट नहीं होती डॉक्यूमेंट की, हाइट अनलिमिटेड होती है। हाँ, एक विजिबल हाइट होती है जिसको हम VH कहते हैं, विजिबल हाइट, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे जितना हाइट नज़र आ रही है वो विजिबल हाइट है। तो हाइट तो कम होगी नहीं कभी भी, तो ये लिमिटिंग हाइट क्या है कि मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट, और ये कब होगा? उसमें तो हमने देखा चलो स्क्रीन छोटी बड़ी होती है तो वो साथ साथ आगे पीछे जाता है, बता सकता है कोई मुझे? अच्छा ये चलो पैराग्राफ आपके सामने है, इसको खुला है, सबके बुक खुली है, ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है इसको ज़रा पढ़ के और क्या समझ आ रहा है वो प्लीज़ शेयर करें। दो मिनट दे रहा हूँ आपको, इसको प्लीज़ रीड करें सब लोग। जिसके भी पहले समझ आ जाए वो हाथ खड़ा करके बता सकता है। खड़े होकर ज़रा ज़ोर से बताएं, मुझे समझ में आवाज़ नहीं आई असल में आपकी, ये नहीं कहूँगा कि समझ नहीं आया, असल में आवाज़ नहीं आई मुझे। अच्छा, आप असल में ये कह रहे हैं कि जब कंटेंट उसका ज़्यादा होगा तो हाइट कम ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ठीक है। जब एक मिसाल के तौर पे एक डिव है उसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये एक पैराग्राफ है उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो जब टेक्स्ट उसका बढ़ेगा, दो लाइन तीन लाइन चार लाइन पाँच लाइन का होगा, तो असल में वो विड्थ बढ़ा, हाइट बढ़ा रहा होगा। बिल्कुल सही बताया इन्होंने जी, आप भी कुछ अपना ओपिनियन शेयर करना चाह रहे हैं? तो बिल्कुल इन्होंने भी सही कहा कि अगर हम इसको मिनिमम मैक्सिमम हाइट वाला काम अगर हम नहीं करते हैं, तो अगर फिक्स हाइट हम कर देते हैं उसकी। अच्छा, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ भी ना लगाएं
तो जितना उसमें टैक्स आता जाएगा वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हम ये भी तो नहीं चाहते ना। एक पैराग्राफ है मिसाल के तौर पे, अब ये जैसे बुक की ही मिसाल ले लें कि ये जो एक बॉक्स है आपके सामने ये वाला, अब इसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि वेबसाइट पे ना आमतौर पर टेक्स्ट स्टेटिक नहीं होता, वो आ रहा होता है सर्वर से उठ के। जैसे फेसबुक की पोस्ट है तो फेसबुक की पोस्ट तो सर्वर से उठ के आ रही होती है, उसमें कितना टेक्स्ट आ जाए किस पोस्ट में पता थोड़ी है आपको। तो उसमें आमतौर पर वो क्या करते हैं, कुछ लाइनें दिखाने के बाद सी मोर कर देते हैं उसको, अनलिमिटेडली नीचे तक नहीं लेके जाते, लेकिन चलो उनकी अप्रोच है एक सी मोर वाली। तो अगर यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है तो बाई डिफॉल्ट बिहेवियर में क्या होगा, उतनी हाइट ले लेगा, वो पैराग्राफ उतनी हाइट ले लेगा, रुकेगा थोड़ी, उसको क्या पता यहाँ रुक जाना है। तो इसके लिए आपको हाइट लगाना भी ज़रूरी है कि भाई एक सर्टेन हाइट तक रहेगा तो वो खूबसूरत लगेगा, बहुत लंबा तो वो बेकार लगेगा बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जैसे ही मैं हाइट को फिक्स करता हूँ उससे होगा क्या कि जब लंबा टेक्स्ट आएगा तो वो उससे बॉक्स से बाहर निकल जाएगा, बॉक्स से क्या होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने बताया कि आपके पास दो तरीके हैं। नंबर एक तरीका तो ये कि आपको अगर लगता है ना कि चलो तीन की जगह कभी पाँच लाइन का टेक्स्ट आ जाता है तो आप ना मैक्सिमम विड्थ को थोड़ा सा ज़्यादा कर दें ताकि मिनिमम विड्थ और पे रहे वो तीन लाइन, और अगर पाँच लाइन का आता है तो मैक्सिमम विड्थ तक बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाए। लेकिन ये भी मसले का हल नहीं है, इसके भी बावजूद आपको कभी कभी वो 10 लाइनों का टेक्स्ट आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, वो तो फिर बॉक्स से बाहर निकल रहा है। उसके लिए इसने एक ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी बताई है कि आप ओवरफ्लो करके एक प्रॉपर्टी होती है, वो अभी तक डिस्कस नहीं हुई बुक में, आगे होगी। तो वो लगा के ना आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा कॉन्टेंट है जो अपने बॉक्स से ज़्यादा है तो उसको क्या कर दिया जाए, उसको हिडन कर दिया जाए, उसको जो है ना वो बाहर निकलने दिया जाए, क्या किया जाए उसके साथ। तो ये भाई अगले पेज पर डिस्कस हो रहा है, ओवरफ्लोइंग कंटेंट। कि अगर कंटेंट ओवरफ्लो होता है तो आप क्या करें, नंबर एक हिडन कर दें उसको आप, कि भाई जो भी कंटेंट जितना तक दिख रहा है उतने तक दिखे, उसके बाद वो गायब हो जाए, उसको आप स्क्रॉल कर दें कि उस बॉक्स के अंदर स्क्रॉल बार बना हुआ आ जाए, कि स्क्रॉलेबल हो जाए वो, ठीक है। और भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो मेरे ख्याल यहाँ एक और भी होती है इसकी डिस्प्ले की, एक मिनट हम यहाँ लगा के देख लेते हैं ना आ जाएगा, पता नहीं बाकी होती है या मुझे वहम हो रहा है। ना एक मिनट, मैं ओवरफ्लो लगाऊंगा ना यहाँ पे। अच्छा, एक है ओवरफ्लो हिडन। अच्छा, इसमें तो वैसे बहुत सारे हैं। हाँ, एक विजिबल है जो डिफ़ॉल्ट होता है, विजिबल जो है वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। ये तीन आम तौर पे मोस्ट यूज्ड होते हैं, कि एक होगा विजिबल जो कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, एक होगा हिडन कि उसको बिल्कुल छुपा देगा, तीसरा होगा स्क्रॉल। वैसे पांच छह प्रॉपर्टी गूगल क्रोम पे मुझे शो हो रही है, तो उनको भी आप अलग से एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आप नोट कीजिए कि यहाँ पर जो रिजल्ट शो हो रहा है इसके अंदर एक छोटा सा स्क्रॉल बार बना हुआ आ रहा है साइड पर, ठीक है जी। अब ये बॉक्स मॉडल की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो CSS का बॉक्स मॉडल है वो क्या चीज़ है। एवरी बॉक्स हैज थ्री अवेलेबल प्रॉपर्टीज दैट कैन बी एडजस्टेड टू कंट्रोल इट्स अपेरेंस, बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग। तीन चीज़ें किसी भी बॉक्स के अंदर ना होती है, रहेगी, वो ख़त्म नहीं कर सकते आप उसको। मिसाल के तौर पे एक पैराग्राफ है, उसकी मैंने हाइट रखी है 100 पिक्सल, उसकी हाइट मैंने 100 पिक्सल रख दी। अच्छा, फिर मैंने उसको कह दिया है कि भाई 10 पिक्सल का मार्जिन हो जाए थोड़ा। मार्जिन का मतलब ये है कि वो जो बॉक्स है वो दूसरे बॉक्सों से जो उसके ऊपर और नीचे हैं उनसे 10-10 पिक्सल दूर हो जाए। तो अब मेरा जो बॉक्स है उसकी टोटल हाइट कितनी हो गई, आया कि वो 110 पिक्सल हो गई, क्योंकि 100 पिक्सल का बॉक्स तो और 10 पिक्सल का मार्जिन, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक्चुअल हाइट उसकी 90 हो जाए, यानी 10 पिक्सल मार्जिन मिला के वो 100 हो, तो इसमें से अब कौन सी होगी। तो वो बात यहाँ पे डिस्कस हो रही है कि एक बॉक्स मॉडल में क्या क्या चीज़। अच्छा, फिर बॉर्डर भी है। अब अगर उस 100 पिक्सल का बॉक्स है पैराग्राफ का, 10 पिक्सल उसमें मार्जिन है चारों साइड से, फिर उसमें 2 पिक्सल का बॉर्डर भी है,
अब वो 2 पिक्सल का बॉर्डर क्या ओवरऑल हाइट में शामिल हो जाएगा या उसके अलावा रहेगा, ये तो 3, 4, 6 पॉसिबिलिटीज आ गई। तो यहाँ पे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन्होंने कहा कि भाई एक बॉक्स जो होता है, इफ़ यू स्पेसिफाई अ विड्थ फॉर अ बॉक्स देन द बॉर्डर एंड मार्जिन एंड पैडिंग, एक पैडिंग भी एक चीज़ है, मार्जिन जो है वो बाहर की तरफ हटा रहा होता है और पैडिंग जो है वो अंदर की तरफ हो रही होती है। इसकी हम एग्जाम्पल से भी समझ चुके हैं शुरू में कि मार्जिन में और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो क्या है, बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग, ये 3 चीज़ें आर एडेड टू इट्स विड्थ एंड हाइट। ये कह रहा है कि ये क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं इसके विड्थ में और हाइट में। ऐड होने का मतलब क्या है कि अगर मैंने 100 पिक्सल का बॉक्स बनाया था, उस पर मैंने 10 पिक्सल का मार्जिन लगा दिया, तो अब वो टोटल बॉक्स कितने का हो गया, 110 पिक्सल का हो गया। फिर मैंने मार्जिन लगा दिया, उसमें बॉर्डर लगा दिया मैंने 2 पिक्सल का, तो वो बॉक्स अब 112 पिक्सल का हो गया। यहाँ पे आप उसको देख भी सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बताया कि ये एक्चुअल जो मेरा था ना हेलो जिसमें लिखा हुआ है, ये मेरा बॉक्स था एक्चुअली। अगर हम इसको यहाँ पे ज़रा डेमॉन्स्ट्रेशन करके भी देख लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है मेरे पास स्प्रिंग, इसके ऊपर अगर मैं इसका क्या नाम होता है इसको पकड़ते हैं, इसका सेलेक्ट एलिमेंट, ठीक है, सेलेक्ट एलिमेंट का बटन दबा के अगर मैं स्प्रिंग के ऊपर लेकर जाऊं, तो स्प्रिंग के ऊपर आप नोट कीजिए मुझे ना कलर कोडिंग में ये दिखा रहा है कि क्या चीज़ कितनी है, ठीक है। तो एक तो बॉक्स है मेरा एक्चुअल बॉक्स, उसमें कुछ मार्जिन ऐड हुआ है ऊपर और नीचे जो मैंने CSS के थ्रू लगाया है। तो अब इस बॉक्स का जो ओवरऑल हाइट है वो कितनी हो चुकी है, वो मार्जिन और उसकी एक्चुअल हाइट दोनों मिला के ऐड हो गया उसके अंदर, ठीक है जी। अगर मैं इसमें बॉर्डर ऐड कर दूं तो बॉर्डर क्या होगा, उससे एक्चुअल विड्थ हाइट में कोई कमी नहीं आएगी बल्कि बॉर्डर उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या काम करते हैं, इसके अंदर आके ना 5 पिक्सल का बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। अब आप नोट कीजिए अगर मैं सेलेक्ट एन एलिमेंट पे आके ना यहां पे पढ़ो, मार्जिन उतना ही है अभी भी, बॉक्स का साइज भी उतना ही है अभी भी, लेकिन जो बीच में बॉर्डर था ना वो एड अप हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स मॉडल है, बॉक्स मॉडल के काम करने का ये तरीका है। अच्छा, जैसा कि हमने ये देखा है कि कुछ HTML के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें पहले से कुछ ना कुछ मार्जिन होता है, ठीक है, या उसमें पहले से कुछ ना कुछ पैडिंग लगी हुई होती है, जैसे बॉडी है, बॉडी में ना थोड़ा सा मार्जिन आ रहा होता है पहले से। तो अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट जिस पर कुछ मार्जिन पहले से है, 5 पिक्सल का मार्जिन है, उसकी अगर मैं हाइट बताता हूँ या विड्थ बताता हूँ कि भाई 100 पिक्सल कर दो, तो एक्चुअली 100 पिक्सल नहीं हुआ, वो 105 हुआ, क्योंकि पहले से मार्जिन है उसके ऊपर, ठीक है। ये अगर मैं बाद में लगाऊंगा तो भी वो ऐड होगा, पहले से है तो भी ऐड होगा। तो ये भाई हमारा बॉक्स है, ज़रा पढ़ लेते हैं इसने क्या लिखा है। एवरी बॉक्स हैज़ अ बॉर्डर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एवरी बॉक्स हैज़ अ बॉर्डर, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 0 पिक्सल, कोई भी जो एलिमेंट है उस पर बॉर्डर मौजूद है वो 0 पिक्सल है, लेकिन उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मार्जिन जो है वो क्या है, मौजूद है लेकिन वो 0 पिक्सल है, और इसी तरह पैडिंग जो है वो क्या है, मौजूद है 0 पिक्सल है, इसको आप हटा नहीं सकते, ठीक है। अब मार्जिन के बारे में कह रहे हैं कि मार्जिन सिट्स आउटसाइड द एज ऑफ बॉर्डर। बॉर्डर क्या है, वो बॉक्स का एज है, जो बाई डिफॉल्ट जब कोई भी एलिमेंट बनाएंगे उसका जो एज होगा वो उसका बॉर्डर है। मार्जिन जो है वो क्या होता है, बॉर्डर से बाहर होता है, यहाँ पे कलर कोडिंग में आप देख भी सकते हैं। और पैडिंग जो होता है वो क्या होता है, बॉक्स के एज के अंदर होता है, लेकिन एज के और एक्चुअल कंटेंट के दरमियान होता है, ठीक है, ठीक है। इवन इफ इट इज नॉट विजिबल इट इज स्पेसिफाइड 0 पिक्सल विड्थ, द बॉक्स सेपरेट द एज ऑफ वन बॉक्स फ्रॉम अनदर। आगे चलते हैं जी, वाइट स्पेसेस एंड वर्टिकल मार्जिन। अच्छा, द पैडिंग एंड मार्जिन प्रॉपर्टी आर वेरी हेल्पफुल इन एडिंग स्पेस बिटवीन वेरियस आइटम ऑन द पेज। अच्छा, एक जो राइट साइड पे दिख रहा है ना उसके अंदर मार्जिन और पैडिंग की कमी है, तो टेक्स्ट आप देखें दीवार से बिल्कुल चिपका हुआ है, यानी बॉर्डर से अपने बिल्कुल चिपका हुआ है वो,
ऑन अदर हैंड दूसरे वाले में मार्जिन भी लगा हुआ है, क्योंकि मार्जिन क्या करता है, एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से दूर करता है, तो आप देखें एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से दूर है, और पैडिंग क्या करता है, बॉक्स के अंदर का जो कंटेंट है उससे बॉक्स की दीवारों को दूर करता है। जिसकी मैंने मिसाल दी थी पैडिंग की, जो फ्रिज के अंदर लगा हुआ होता है वाइट वाइट सा फॉर्म, वो पैडिंग होती है असल में, क्योंकि वो एक्चुअल दीवार से अंदर के फ्रिज को के बीच में आया हुआ होता है। उसका रीज़न असल में ये होता है कि कहीं से फ्रिज अगर टकराया तो वो फ्रिज को डेंट ना दे, वो जो उसका ऑफसेट है या उसका जो पैडिंग है अंदर पैड्स जो लगे हुए हैं वो उसको बर्दाश्त कर लें, पैड्स पे स्क्रैच आ जाए लेकिन एक्चुअल कंटेंट पे ना आए। लेकिन यहाँ पे वो, यहाँ पे तो कोई धक्का वक्का लगना है नहीं इसकी, ठीक है, HTML का एलिमेंट है, यहाँ पे जस्ट इसलिए इसको डाला जाता है ताकि एक्चुअल कंटेंट दीवारों से थोड़ा दूर हो जाए, अच्छा लगे देखने में, थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं रीडेबिलिटी, थोड़ा रीडेबल हो जाता है कॉन्टेंट हमारा। तो जी ये इन्होंने एक एग्जाम्पल करके बताया कि भाई अगर नहीं लगाओगे तो इस तरह का दिखेगा पेज आपका, ठीक है। कुछ नीचे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, आई थिंक ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। बॉर्डर विड्थ, अच्छा आमतौर पे मैंने जो, मुझे आपने देखा होगा बॉर्डर लगाते हुए, वो इस तरह लगाते हुए देखा है कि बॉर्डर इक्वल्स टू 1 pixel सॉलिड ब्लैक। तो ये जो तरीका, ये शॉर्टकट वाला तरीका है, असल में बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर के स्टाइल और बॉर्डर का कलर, ये तीन अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले बॉर्डर विड्थ, कि किसी भी एलिमेंट का मैं बॉर्डर विड्थ बढ़ाना चाह रहा हूँ, वो विजिबल नहीं होगा, इनविजिबल होता है शुरू में वो, लेकिन वो बढ़ जाएगा। तो बॉर्डर विड्थ लगाऊंगा मैं, तीन इसके अंदर प्रीसेट्स हैं, थिन, मीडियम और थिक, ये भी आप दे सकते हैं और पिक्सल में भी दे सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये इन्होंने दे के बताया हुआ है इस तरह। अच्छा बॉर्डर विड्थ में आप क्या कर सकते हैं, इसको चारों साइड के बॉर्डर को अलग अलग भी आप विड्थ दे सकते हैं। अच्छा इसको पता कैसे चलेगा कि ये चारों में से कौन सा वाला किस साइड का है, ये क्लॉकवाइज चलेगा हमेशा, ठीक है। क्लॉक शुरू कहाँ से होती है, ऊपर से होती है, तो ये भी शुरू होगा टॉप वाले से और फिर ये जाएगा क्लॉकवाइज लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो HTML में या CSS में जहाँ पे भी चार इस तरह लगा हो वो हमेशा क्लॉकवाइज हो। अच्छा तो ये इस तरह करके भाई बॉर्डर की विड्थ दी जा सकती है। उसके बाद है बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल में ये मुख्तलिफ स्टाइल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं, सॉलिड आमतौर पर सॉलिड यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, डॉटेड और डैश भी अवेलेबल है, ये सारे स्टाइल्स हैं जनाब, ठीक है। उसके बाद है कलर, कि बॉर्डर का कलर क्या हो। अच्छा अगर मैं किसी एलिमेंट पे सिर्फ बॉर्डर का कलर लगाऊंगा, हाइट बॉर्डर की बाई डिफॉल्ट साइज क्या होता है 0 pixel, उस पर सिर्फ बॉर्डर का मैं कलर लगाता हूँ रेड, तो क्या वो बॉर्डर मुझे नज़र आना चाहिए, नहीं आएगा, क्योंकि 0 pixel इतना छोटा साइज है कि वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो पाता, क्योंकि स्क्रीन तो पिक्सल से बनी हुई है। 1 pixel इज द लीस्ट वैल्यू दैट अ स्क्रीन कैन डिस्प्ले, 1 pixel से कम की कोई भी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होती है, ठीक है, तो इस वजह से वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये जनाब हमारे पास जो है ना कलर्स मौजूद हैं, कलर में भी इसी तरह आप चारों साइडों का कलर अलग अलग दे सकते हैं और ये भी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। इसको मेरे ख्याल करके देखने की तो ज़रूरत नहीं है, ये आप ईजिली इसको चला के देख सकते हैं। शॉर्ट हैंड तरीका जो है, जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, कि बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ब्लैक, तो ये आप कर सकते हैं। ब्लैक की जगह कलर का कोड भी ऑफकोर्स आप लगा सकते हैं, सॉलिड की जगह डॉटेड या डबल भी यूज़ कर सकते हैं आप। डॉटेड में ये है कि थोड़ा सा स्पेस होगा और फिर आपके बॉर्डर का कलर होगा, जैसे इन्होंने ब्लू कलर दिया हुआ है, ये मैंने करके नहीं देखा, लेकिन इसके लिए एक दूसरा तरीका है जो आगे आने वाला है, वो पिक्चर वाला तरीका है, कि एक पिक्चर होती है उसको रिपीट करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। डॉटेड तो आई थिंक चेंज नहीं होगा, लेकिन वो पिक्चर वाला जो तरीका है ना उससे ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। अच्छा भाई पैडिंग है, ये पैडिंग तो हमने बहुत शुरू में ही खैर लगा के देख ली थी, है ना। अच्छा पैडिंग भी भाई देखे चारों साइडों की अलग अलग भी दे सकते हैं आप, ठीक है, कि आप अगर बोलेंगे ना पैडिंग सिर्फ, तो वो चारों साइडों पे ले लेता है, बट आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पैडिंग टॉप, तो वो जस्ट ऊपर से लेगा, ठीक है, चारों साइडों पर नहीं लगेगा। या आप बोलेंगे कि पैडिंग राइट, तो ऐसे करके सिर्फ राइट साइड पर वो पैडिंग ले रहा होगा, चारों साइड पर नहीं ले रहा होगा,
ठीक है, और आप इस तरह करके चार वैल्यूज भी दे सकते हैं चारों साइड के लिए जो कि क्लॉक वाइज काम कर रही होगी। मार्जिन का भी सेम यही तरीका है कि भाई मार्जिन टॉप मार्जिन राइट, सिर्फ मार्जिन लिखेंगे तो चारों साइड आ जाएगा, चारों साइडों का अलग अलग भी आप दे सकते हैं। सेंटरिंग कंटेंट, अच्छा इन्होंने कंटेंट को ना सेंटर करने का एक तरीका बताया जो कि थोड़ा सा एंशंट तरीका है। अब हम इसके लिए फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करते हैं, वो निस्बतन अंडरस्टैंडेबल है और मैनेजेबल है, जब आपका पेज बड़ा हो जाता है तो उससे वो मैनेजेबल रहता है। ठीक है, इन्होंने भी एक तरीका बताया है कि भाई टेक्स्ट अलाइन को आप कर दो सेंटर, किस पे, बॉडी के ऊपर, तो वो पूरी बॉडी आपकी सेंटर पे हो जाती है। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट अलाइन अगेन हर चीज़ पे काम नहीं करता, ठीक है, वो टेक्स्ट पे काम करता है, कभी अगर ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं तो उसके ऊपर या इनलाइन ब्लॉक्स आ जाते हैं उस पर वो काम नहीं करता। ठीक है, उसके लिए आपको दूसरे तरीके करने पड़ते हैं जो कि फ्लोट करके होता है, लेकिन वो भी अब इस्तेमाल नहीं करते लोग, वो भी आउट ऑफ डेट हो चुका है। तो ये सेंटरिंग वाला तरीका आप करके देख लीजिएगा, लेकिन ये तरीका मैं तो एटलीस्ट इस्तेमाल नहीं करता, बाकी लोग भी बहुत कम करते हैं। फ्लैक्स बॉक्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं, वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये ना इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 का एक बॉक्स मॉडल है, वो इन्होंने बताया है कि भाई इसका बॉक्स मॉडल कैसा होता है। थोड़ा सा डिफरेंट है इसका बॉक्स मॉडल, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 अब नापैद हो चुका है, तो इस पर हमें ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़ जाए कि ओल्डर ब्राउज़र को सपोर्ट देनी है, तो बॉक्स मॉडल आप यहाँ से आके देख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या लिखा है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना चेंजिंग इनलाइन ब्लॉक आ गया। कुछ एलिमेंट बाई डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होते हैं, कुछ एलिमेंट बाई डिफ़ॉल्ट इनलाइन होते हैं। तो कौन मुझे बताएगा कि हेडिंग वन यानी कि एच वन क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट होता है, और ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये है, उसकी खासियत ये है कि वो पूरी लाइन ले लेता है, पूरी वृत्त ले लेता है, और अपने साथ में अपने पड़ोस में एडजेसेंट किसी को आने नहीं देता, ना खुद किसी के एडजेसेंट को जाता है, वो नई लाइन से शुरू होता है और उसके बाद जो भी चीज़ होती है उसको भी अगली लाइन पे वो भेज देता है। तो ये हमारे पास जनाब, अच्छा बाई डिफ़ॉल्ट जो एलिमेंट ब्लॉक होते हैं ना, उन पे अगर आप गौर करें तो उनको इस्तेमाल भी ब्लॉक किया जाता है आमतौर पर, क्योंकि हेडिंग है, हेडिंग लिख कर उसके फ़ौरन बाद तो टेक्स्ट स्टार्ट नहीं करते, उसके नीचे से करते हैं आप, तो वो आपकी आसानी के लिए ही किया गया है। सही, अगर किसी को लग रहा हो कि यार क्यों बिला वजह ब्लॉक बना दिया, इसको मैं चेंज करना पड़ता है, तो बाई डिफ़ॉल्ट उसको ब्लॉक इसलिए रखा गया है कि आमतौर पर उसको ब्लॉक लेवल पर ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको चेंज कर सकते हैं इनलाइन, कि आप अगर चाह रहे हो ना उसके पड़ोस में कोई चीज़ आ जाए, या हेडिंग हो उसके पड़ोस में पिक्चर आ रही हो, या पहले पिक्चर आ रही हो फिर उसके बाद हेडिंग आ रही हो, इस तरह की कोई चीज़ अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा इनलाइन में। अच्छा तो ज़रा देखते हैं जी इनलाइन के बारे में क्या कहा है इन्होंने। दिस कॉजेज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक्ट लाइक एन इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, अगर आप कर दें उसको डिस्प्ले इनलाइन तो वो इनलाइन हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो हमारे पास तीन चार प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर आप नन कर दें, डिस्प्ले नन, तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, डॉम पे से वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा एक हमारे पास है डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन से क्या होता है कि वो डॉम से बिल्कुल ही गायब हो जाता है। अगर आप उसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में भी जाके देखेंगे ना, तो वहाँ पे मौजूद वो नहीं होगा। तो हो सकता है कभी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है कि मैं प्रोग्रामेटिकली जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए कुछ एलिमेंट्स को मैं डिस्प्ले नन करवा दूँ, बिल्कुल ही गायब करवा दूँ। ठीक है, हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर मेरी ई कॉमर्स की अगर कोई वेबसाइट है, तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ सेल्स का मैं एक पेज बना रहा हूँ या कुछ एलिमेंट मैंने लगाया है न्यू करके, तो उसको मैं चाहता हूँ कि वो एक सर्टेन डेट से पहले नज़र ना आए, बट उसको मैं बना भी रहा हूँ साथ साथ, मेरी वेबसाइट में है, तो मैं उसको टेम्प्रोरीली डिस्प्ले नन कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसमें ये इस्तेमाल हो सकता है। तो वेल, एक टूल आपके पास मौजूद है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, अगर आपको लगता है कि आपको डिस्प्ले नन करना चाहिए तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है अगला हमारे पास हाइडिंग बॉक्स। इसमें ये होता है कि आपका बॉक्स हाइड हो जाता है लेकिन वो स्टिल डॉम पे मौजूद रहता है। ठीक है,
अच्छा, आप इसका जो रिजल्ट है इस पर अगर आप गौर करें तो पहले वाले रिजल्ट से ना थोड़ा डिफरेंट है ये। पहले वाले रिजल्ट में क्या हुआ था, वो स्पेस नहीं नज़र आ रहा था उसका, वो बिल्कुल ही गायब हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, वो चीज़ हो तो गई है गायब, लेकिन वो अपने स्पेस उसने अभी भी लिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं आप, विजिबिलिटी हिडन या विजिबल कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट हर एलिमेंट की विजिबिलिटी क्या होती है, विजिबल होती है। आप उसको हिडन में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी आप चाहें। वेल, अच्छा ये जनाब CSS3 के अंदर एक नया आइटम ऐड किया है इन्होंने, बॉर्डर इमेज करके। ठीक है, बॉर्डर इमेज के ज़रिए आप किसी भी इमेज को एज अ बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये इन्होंने कुछ मुश्किल सी थोड़ी CSS इसको लगा कर दी है। अच्छा, आप नोट कर रहे होंगे क्योंकि ये CSS3 में इंक्लूड किया गया है इसको, इस वजह से इसके अंदर हर आइटम ना 3-3 बार लिखा हुआ है। इसने कहा भाई पैराग्राफ डॉट वन के ऊपर क्या लगा दो, एक इमेज लगा दो बॉर्डर के तौर पे, बट एक ही बात को एक बार, दो बार और 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है मॉज डैश बॉर्डर डैश इमेज। ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ मोज़िला फायरफॉक्स पे काम करेगी। अगर आपने सिर्फ ये वाली लगाई है ना तो ये गूगल क्रोम पे काम मोस्ट प्रोबेबली ना करें। ठीक है, मे बी अभी इन्होंने कर लिया हो, लेकिन स्टिल इसी तरह से लिखा जाता है इसको। अच्छा, फिर है हमारे पास वेब किट। वेब किट जो है वो सफारी और क्रोम, आई थिंक वेब किट में दोनों काउंट हो जाते हैं। और तीसरा जो है वो बगैर किसी प्रीफिक्स के लिखा गया है, बॉर्डर इमेज। ठीक है, बगैर किसी प्रीफिक्स के लिखा गया है। तो ये 3 तरीके से लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी नई चीज़ है। हो सकता है कि किसी यूज़र के पास ओल्डर ब्राउज़र हो तो उसमें ना ये सिर्फ बॉर्डर डैश इमेज करके काम नहीं करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी के पास मोज़िला फायरफॉक्स का पुराना वर्जन है तो उस पर ये मॉज करके लिखा हुआ होगा ना, जब ही चलेगा, उसके बगैर ये नहीं चलेगा। वेल, तो हमारे पास एक अदद इमेज है जो आप यहाँ देख भी सकते हैं। ठीक है, 18 पिक्सल एक कॉर्नर इसका जो है ना 18 पिक्सल का, तो टोटल कितने की हुई, 18 दूनी 36 और 18 कितना हुआ, 36 और 10 46 46 और 8 52 हो गया ना। तो 52 पिक्सल का ये हाइट है उसकी और विड्थ है, ये जो इमेज है। आप नोट कीजिए ये एक ही इमेज है। ठीक है, ये क्या है, ये एक ही इमेज है। इसमें से क्या किया हुआ है, इसमें कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी है यहाँ पे कि वो उस इमेज में से क्या कर रहा है, 18 18 पिक्सल ना एक कॉर्नर में से वो ले ले रहा है। ठीक है, और उसको इस तरह करके लगा दे रहा है। पैराग्राफ डॉट वन के ऊपर इसको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो स्ट्रेच उसके अंदर लिखा हुआ है, और पैराग्राफ डॉट टू के अंदर राउंड लिखा हुआ है। ठीक है, दो तरह की। अब ये इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ साइड में आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या देना है, द URL ऑफ द इमेज। आप नोट कीजिए बॉर्डर इमेज के बाद सबसे पहले क्या है, URL ऑफ द इमेज। और URL किस तरह से बताया हुआ है कि इसी प्रोजेक्ट के फोल्डर में इमेजेस में जाओ और वहाँ से डॉट्स डॉट जिफ करके उठा लो जो भी है। ठीक है, नंबर दो पे क्या दिया है, वेयर टू स्लाइस द इमेज, कि इमेज को स्लाइस कहाँ से करना है। ठीक है, इसने क्या दिया हुआ है, चारों में 11 11 करके उसने वैल्यू पास की हुई है। अच्छा, और तीसरा जो है उसने क्या बताया हुआ है कि व्हाट टू डू विद द स्ट्रेट एजेस। जाहिर है 18 18 पिक्सल चारों साइड से अगर वो ले रहा है तो चकोर चकोर बॉक्सेस कट किए ना उसने, तो अब वो एजेस के साथ क्या करे। एजेस के हमारे पास स्ट्रेच है, रिपीट है और राउंड है, 3 इसके अंदर स्ट्रेटजीज मौजूद हैं। सही है, तो इसको प्लीज़ करके देखिएगा, इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन जाहिर है जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसके बगैर काम नहीं होता फिर। जैसे कि एक दोस्त ने कहा था कि भाई मुझे अगर डॉटेड वाले बॉर्डर में एक रेड चाहिए और एक ब्लू चाहिए, बीच में वाइट स्पेस नहीं चाहिए, तो वो उसमें तो शायद पता नहीं, शायद वो पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर, मैंने करके नहीं देखा, बट वो इस पर बहुत आसानी से हो जाएगा कि एक आप इस तरह की इमेज बना लें 52 पिक्सल की, जिसमें आप क्या करते हैं वो रेड और ब्लू वाली चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं और ईजिली उसको आप लगा सकते हैं। चलता हुआ मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन चूंकि ये जिफ को सपोर्ट करता है तो आप एनिमेटेड भी ट्राई कर सकते हैं कि एनिमेटेड वाला ये अडॉप्ट
मतलब एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। मैंने एनिमेटेड कभी इस पर लगा के नहीं देखा, इवन मुझे कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, जो सच बात है मुझे बॉर्डर इमेज की आज तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, बट ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। जैसे कि आपके दोस्त ने कहा कि भाई एक सर्टेन यूज़ केस है मेरा, भाई क्लाइंट तो जो भी बोलेगा वही करके देना है ना, तो क्लाइंट अगर बोल देना कि मुझे ऐसा ही चाहिए, ब्लू और रेड वाला डॉटेड चाहिए, तो आपको वो करना है फिर कुछ ना कुछ करके, ठीक है। मुख्तलिफ अप्रोचेज हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, तो लेकिन करना है आपको जो, क्योंकि डिज़ाइन का पार्ट है, या डिज़ाइनर ने कोई डिज़ाइन बना के दे दिया तो वो बन के आपके पास जब आ गया ना कि ऐसा दिखना चाहिए, तो वो आपके गले में फिट है, वो कुछ भी करके आपको वो डिलीवर करना है। अब वो क्लाइंट तो नॉन टेक्निकल होता है ना, उसको थोड़ी पता है कि बॉर्डर क्या होता है, वेल्थ क्या होती है, ठीक है ना, बॉर्डर इमेज क्या होता है, उसको ये सब नहीं पता। उसको पता है कि भाई ये इस तरह का दिखना चाहिए, उसको लग भी अच्छा रहा है, जब भी तो उसने पास किया ना डिज़ाइन, आप तक पहुँचा है वो, तो वो करके दे रहे हैं। तो ये प्लीज़ करके ट्राई कीजिएगा, और अगली क्लास में मुझे, मैं ये पूछूंगा, पहले से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन लीक कर दे रहा हूँ कि ये वन वन इसने लिखा है चार दफ़ा, यानी चारों कॉर्नर के लिए, और यहाँ पे ये कह रहा है कि यार 18 पिक्सल फ्रॉम ईच कॉर्नर, तो ये 11 लिखने से 18 क्यों ले रहा है? मिसाल के तौर पे मैं 18 पिक्सल नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ 20 पिक्सल ले, तो मैं क्या मैं इसको चेंज करूँगा? ये मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ, जो अगली क्लास में मैं आपसे पूछूँगा। तो अगर किसी ने ये ट्राई करना है, ये फिगर आउट करके आइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी एक्सपेरिमेंट शुरू करूँगा ना तो टाइम नहीं बचेगा, ऑलरेडी टाइम हमारे पास हाफ आवर रह गया, अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू करूँगा तो फिर हम लंबी खिंचेगी कहानी, तो इसलिए मैं फ़िलहाल एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा। हम टेक्स्ट शेडो देख चुके हैं पहले, कि किसी भी टेक्स्ट का शेडो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब ये सेम चीज़ है बॉक्स के साथ, बॉक्स शेडो, इसमें भी आप नोट कीजिए हर इंस्ट्रक्शन को तीन तीन बार लिखा हुआ है, एक में मोज़िला का प्रीफिक्स और एक में वेबकिट का प्रीफिक्स लगा के लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों किसके लिए है? ओल्डर ब्राउज़र के लिए, अगर किसी के पास मोज़िला का पुराना वर्जन है तो वो इसी पे ही चलेगा, ठीक है। नए वर्जन पे तो आई थिंक इतना इशू नहीं है, नए वर्जन पे तो सबने CSS3 को सपोर्ट दे दी है ऑलमोस्ट। अच्छा, बॉक्स शेडो के अंदर इसने क्या दिया है? नंबर एक, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, ठीक है, यानी कि उस बॉक्स से जो शेडो बने वो कितना लेफ्ट पे या कितना राइट पे बने। अगर मैंने 5 पिक्सल बोला तो वो किधर जाएगा, राइट पे जाएगा कि लेफ्ट पे जाएगा? राइट पे जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी शुरू होती है किससे? लेफ्ट टू राइट होती है, तो पॉजिटिव पिक्सल का मतलब है राइट पे जाएगा वो। अच्छा, अगर मैं माइनस में दूंगा तो उसका मतलब है वो लेफ्ट की तरफ, तो इन्होंने माइनस में दिया हुआ है, तो पहला वाला जो पैराग्राफ है P.1 वो किधर जाना चाहिए? थोड़ा लेफ्ट की तरफ होना चाहिए उसका शेडो, देखते हैं, ठीक है जी, थोड़ा लेफ्ट की तरफ हुआ हुआ है, बिल्कुल सही है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही है। दूसरा क्या है, साइड में मेंशन है यहाँ पे वर्टिकल ऑफसेट, ठीक है, वर्टिकल ऑफसेट का मतलब है कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उससे शेडो कितना ऊपर या कितना नीचे होगा, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसमें इन्होंने नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है, नेगेटिव का मतलब है कि ऊपर जाएगा, सही है। उसके बाद इन्होंने एक अदद कोई कलर डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि ये कलर क्या है? क्योंकि सारे कलर इक्वल हैं, नंबर एक, क्योंकि सारे कलर इक्वल हैं तो ये ग्रे का कोई ना कोई शेड है, ठीक है। अच्छा, ये डार्क ग्रे है या लाइट ग्रे है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि 7-7 का इसमें यूज हुआ है, तो 7 एक्चुअली ना hexadecimal, क्योंकि 0 से लेके 16 तक होता है, तो ये दरमियानी कैरेक्टर है 7, तो ये मिड लेवल का ग्रे है, ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिक्स बताता जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि ना इसको देखने की भी आदत हो, क्योंकि यार ये बहुत यूज़ करते हैं डिज़ाइनर ना, मतलब RGB भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन नहीं करते भाई, यही यूज़ करते हैं, उनको आदत है इसकी, ठीक है। तो थोड़ा मिड लेवल का जो है ना वो ग्रे है, जो कि आपको शेडो के अंदर नजर आ रहा है, ये शेडो का कलर होता है, सही है। एक्चुअल बॉक्स तो शायद थोड़ा लाइट ग्रे है बहुत। अच्छा जी, और इसमें आप चौथी वैल्यू भी दे सकते हैं, स्प्रेड ऑफ शेडो या अमाउंट ऑफ ब्लर भी, जिसको आप बोल सकते हैं,
तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, ये भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, लगा के देखने वाली चीज़ है, ये लगा के देखेंगे पता चल जाएगा अच्छा इस तरह लगती है। कभी भी ज़रूरत पड़े बुक से दोबारा देख सकते हो, कहीं पे भी जाके लिखोगे गूगल पे बॉक्स शेडो, ये चीज़ें दोबारा से सामने आ जाएंगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं जी दोस्त। अच्छा पी फोर में ना दोनों पे जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि शेडो उसका एग्जैक्ट पीछे बने, ना राइट लेफ्ट हो ना ऊपर नीचे हो, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पे उसका शेडो बने, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी इन्होंने पास की है, थर्ड प्रॉपर्टी एक्चुअली, ब्लर डिस्टेंस। ब्लर डिस्टेंस का मतलब है कि वो कितनी दूर तक फैल के जाए, ठीक है। इन्होंने नीचे इसके वो भी किया हुआ है, तो आप नोट कीजिए कि नंबर फोर जो है, यानी कि ये वाला जिस पर मैं अभी कर्सर घुमा रहा हूँ, इसका जो शेडो है वो एग्जैक्ट पीछे है इसके। और चूंकि इन्होंने ब्लर डिस्टेंस 10 पिक्सल दिया हुआ था, तो 10-10 पिक्सल ये चारों साइड दूर गया हुआ है शेडो इसका, नोट कर रहे हैं। और उसके बाद कलर दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है जी। अच्छा लास्ट वाले में एक और भी प्रॉपर्टी इन्होंने ऐड की हुई है, इनसेट। इनसेट का मतलब ये है कि शेडो अंदर की तरफ बनेगा ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये चार पांच एग्जांपल हैं, ये सीधी सीधी सी है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं है, है ना, सही है। किसी को मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, चला के देखोगे पता चल जाएगा, लेकिन शर्त ये चला के देख लेना एक बार हाथ से उसको। अच्छा राउंडेड कॉर्नर्स, राउंडेड कॉर्नर भी CSS3 में ऐड किया गया है, उससे पहले ये मौजूद नहीं था। मिसाल के तौर पे कोई बटन है, आमतौर पे जब आप बटन प्लेस करते हैं स्क्रीन के ऊपर तो चकोर आता है, या पैराग्राफ जब आप लगाते हैं तो अगर आप पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है रेड, तो ये बन गया चकोर चकोर बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा गोल मटोल सा आ जाए वो, तो उसके लिए मैं सिंपल तरीका क्या करूँगा, बहुत सिंपल सा एक है बॉर्डर रेडियस, और उसके आगे मैं कोई ना कोई उसको वैल्यू दे दूँगा। इन्होंने अपनी एग्जाम्पल में 10 पिक्सल बॉर्डर रेडियस बताया है, कौन मुझे ये बताएगा सोच के कि ये 10 पिक्सल को कैसे परसीव कर रहा है, कि 10 पिक्सल क्या। मिसाल के तौर पे एक बॉक्स मेरे पास 50 पिक्सल का स्क्वायर है, तो 10 पिक्सल अगर मैंने बॉर्डर रेडियस दिया है तो इसका क्या मतलब है, राउंडेड कॉर्नर हो जाएंगे ये तो ऑब्वियस बात है, लेकिन करेगा कैसे, 10 पिक्सल को कैसे परसीव कर रहा है। पचास पिक्सल का बॉक्स है, 10 पिक्सल इधर से और 10 पिक्सल इधर से, थोड़ा अंदर की तरफ आएगा और यूं उसको घुमा देगा, 100 करेंगे तो सर 100% पे सर्कल बनेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये पेंट पे ड्रॉ करके बताऊं, अगर मेरे पास एक अदर यहाँ पे बॉक्स है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है लेकिन काइंड ऑफ स्क्वायर है, तो अब ये वाला जो बॉक्स है ना मेरा, ज़ूम कैसे होगा, वेल अगर 10 पिक्सल इसका यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, और यहाँ से 10 पिक्सल आ रहा है इसका यहाँ पे, तो वो इधर से भी 10 पिक्सल इधर से भी 10 पिक्सल, ये दोनों साइड लिया, अब यहाँ से इसको ये गोल कर देगा, ठीक है, समझ रहे हो कैसे हुआ ये। तो 10 पिक्सल का मतलब ये टोटल ये 50 पिक्सल है, ये यहाँ से भी इसने 10 पिक्सल लिया यूँ, और यहाँ से क्या किया इसको यूँ गोल कर दिया, ठीक है। चूँकि मैंने सिर्फ 10 पिक्सल लिखा है तो ये चारों साइड ले रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना, चूँकि मैंने सिर्फ 10 पिक्सल लिखा है तो ये चारों साइड ले लेगा यूँ करके, यहाँ से 10 पिक्सल यहाँ से 10 पिक्सल, और इसको भी इसने गोल घुमा दिया। तो अब आपका बॉक्स क्या लग रहा है, थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर्स आपके बिल्डअप हो गए हैं, और कितने पे हुए हैं 10 पिक्सल पे। अगर मैं इसको कर दूं
50 पिक्सल का मेरा बॉक्स है, अगर मैं इसको कर दूँ 20 पिक्सल तो क्या होगा, थोड़ा यहाँ से ले लेगा ये और यहाँ से कर लेगा और ये क्या हो जाएगा, राउंड होता चला जाएगा ये, ठीक है। और अगर मैं इसको गुड इनफ कर दूँ बॉर्डर रेडियस को तो ये परफेक्ट सर्कल भी बन सकता है, ठीक है। परफेक्ट सर्कल अगर आपको बनाना है तो आप क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं, उसको कोई भी विड्थ और हाइट दे के आप उसका बॉर्डर रेडियस इतना कर देते हैं कि वो परफेक्ट सर्कल हो गया, ठीक है। तो हम उसको वापस जाते हैं अपनी बुक के ऊपर और बुक के ऊपर जाके देखते हैं, ये तो हो गया जनाब सिंपल ना कि 10 पिक्सल बोला चारों साइड से 10 10 पिक्सल उसने पकड़ लिए। अगर मैंने उसको बताया अलग अलग, ठीक है, तो क्या करेगा वो, ये आ गया यहाँ पे, उसने वही चीज़ असल में डेमोन्स्ट्रेट की भी है कि भाई कुछ इस तरह से सीन है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा और ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है समझने के अतबार से। अच्छा वापस आ गया हूँ थोड़ा सा, इसमें आप नोट करें, एक तो है बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, उसके अलावा इन्होंने कहा कि बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, टॉप राइट, इसमें क्लॉकवाइज नहीं हो रहा अभी, टॉप है और राइट है, क्योंकि एक कॉर्नर पे जो बॉर्डर बनेगा उसमें दो साइड इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बॉर्डर बना है इसमें इधर से इसने लिया हुआ है 20 पिक्सल और इधर से इसने लिया हुआ है 20 पिक्सल। अगर मैं ये कर दूँ कि भाई मैं बोलूँ कि यार इधर से तो आपने लेना है 20 पिक्सल, लेकिन इधर से 20 पिक्सल नहीं लेना, इधर से 10 ही रखना है, तो अब मेरा बॉर्डर कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा मुख्तलिफ हो गया। तो हर कॉर्नर में रेडियस लगाने के लिए दो साइडें इन्वॉल्व हैं। अगर मैं इस कॉर्नर की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन सी साइडें इन्वॉल्व हैं, राइट और बॉटम, या बॉटम राइट बोल लें उसको। इस तरफ जो कॉर्नर लगाने में कौन सा वाला इन्वॉल्व है, टॉप और राइट इन्वॉल्व है। तो इसी वजह से इसमें जो चार अलग अलग लग रहे हैं ना, किस तरह है वो, टॉप राइट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, सही है। ये क्लॉकवाइज तो ये चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, दो दो साइडें लेके चल रहा है, ठीक है। मतलब सबसे पहले टॉप और राइट, टॉप से शुरू हुआ राइट, फिर राइट और बॉटम, फिर बॉटम और लेफ्ट, फिर लेफ्ट और टॉप, वापस टॉप तक गया। अच्छा आप इसको इस तरह करके भी दे सकते हैं, ये वाला, ऐसी सूरत में क्या होगा, ये जो तरीका है कि पहले मैं 5 पिक्सल दे दिया, तो पहला वाला क्या था हमारा, सबसे पहला टॉप राइट था, पहला वाला क्या था, टॉप राइट, तो टॉप से भी 5 राइट, राइट से भी 5। वापस अगर हम अपने डायग्राम पे आ जाएं, इसको मैं ज़रा कंट्रोल जेड करके ले जाऊँ थोड़ा पीछे इसको मैं, मिसाल के तौर पे अगर मैंने पहले नंबर पे 10 पिक्सल दे दिया तो इसका मतलब है कि इधर से भी 10 पिक्सल और इधर से भी 10 पिक्सल, क्लियर है। अच्छा सेकंड नंबर पे मैंने क्या दिया, 10 पिक्सल दिया, तो सेकंड का मतलब क्या है कि इधर से भी 10 और इधर से भी 10, ठीक है। थर्ड पे मैंने क्या दिया, 5 पिक्सल, तो इसका मतलब है कि इधर से भी 5 और इधर से भी 5, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मेरा बॉर्डर बनेगा, ठीक है, इधर से भी 5 और इधर से भी 5। अच्छा फिर मेरे पास है लास्ट में 10 दोबारा, तो इसका मतलब है कि इधर से भी 10 और इधर से भी 10। इतना सबको क्लियर हुआ, चारों साइड का हम बॉर्डर किस तरह से बनाते हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे कि अगर मैं ये बोलूं कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, क्योंकि देखो ये जिस चीज़ का शॉर्ट हैंड है ना, यानी बॉर्डर रेडियस का, जैसे पैडिंग था, मार्जिन था, चार देते थे चारों साइड लग जाता था, लेकिन उसका क्या था, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट अलग अलग से भी था। तो अभी इसका क्या है, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, ये अलग से, तो अब बॉर्डर टॉप राइट को मैं क्या दूंगा,
एक वैल्यू दूंगा 5 पिक्सल, दो भी दे सकता हूँ, ठीक है, दो भी तो दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर टॉप राइट को अगर मैं दो वैल्यू देता हूँ तो इसका मतलब है कि पहली वैल्यू टॉप की हो गई और दूसरी राइट की हो गई, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों की जगह नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन और नंबर चार, इन चारों की जगह मैं दो दो वैल्यू भी पास करने का ऑप्शन होना तो चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन वो है, यहाँ पर मौजूद है। अब आप नोट कीजिए, पैराग्राफ डॉट वन में इसने क्या लगाया, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 80 पिक्सल और 50 पिक्सल। सामने इन्होंने डायग्राम भी बना के दिखा दी कि भाई 80 पिक्सल किसका हो गया, ये टॉप का हो गया, क्योंकि शुरू क्लॉकवाइज है ना, टॉप से इधर शुरू हो रहा है। क्लॉक अगर घूमेगा तो पहले टॉप आएगा या पहले लेफ्ट आएगा, और राइट आएगा, पहले टॉप आएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई टॉप लेफ्ट का जो रेडियस है, ठीक है, यानी कि ये वाला कॉर्नर, इसकी पहली वैल्यू 80 थी, दूसरी वैल्यू 50, तो इसका मतलब है कि ये 80 हो गया, ये 50 हो गया। अब मेरा जो बॉर्डर है वो परफेक्टली गोल नहीं है इस कॉर्नर पे, थोड़ा अजीब सा शेप है, बट मे बी ये रिक्वायर्ड है, तो इस तरह करके हम दे सकते हैं जी। हाँ यार, बात तो आपने सही बोली है कि टॉप लेफ्ट इसमें पहले मेंशन है, लेकिन मे बी ये मिसप्रिंट हो गया, असल में वो बताना यही चाह रहे हैं। तो आप इसको ना लेफ्ट पे भी मैप करके देख सकते हैं सेम चीज़ को, ठीक है। लेकिन अभी आई थिंक इसमें टॉप राइट अगर लिखा हुआ होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, ज़्यादा बेहतर होता आई थिंक, ठीक है। वेल, इसके अंदर एम्बिग्युइटी से बचने के लिए दो तरीके हैं, क्योंकि देखो एम्बिग्युइटी बहुत सारी हो गई है, एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे। इन्होंने कहा कि बॉर्डर रेडियस में ना आप दो वैल्यू भी दे सकते हैं, अगर दो वैल्यू देंगे तो क्या होगा, पहली वाली वैल्यू को वो सारे टॉप टॉप के पकड़ लेगा, दूसरी वाली वैल्यू को वो सारे लेफ्ट लेफ्ट वाले पकड़ लेगा, यानी जो भी सेकंड आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात कर रहा हूँ टॉप लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो पहली वैल्यू टॉप पे ले लेगा, दूसरी वैल्यू लेफ्ट पे ले लेगा। फिर अगर मैं बात करूँ लेफ्ट और बॉटम की, अगला यही आता है ना क्लॉकवाइज में, टॉप लेफ्ट के बाद अगला क्या आएगा, लेफ्ट और बॉटम, यानी कि ये वाला कॉर्नर, ठीक है। अगर मेरे इस डायग्राम की अगर हम बात करें, वो मैंने गायब ही कर दिया, अच्छा आ गया, गुड यार, ये भी सही था। तो अगर मैंने सिर्फ दो वैल्यू दी है बॉर्डर रेडियस को, ठीक है, तो वो सब पे क्या करेगा, जो पहले वाली वैल्यू को इस पे लगा देगा, दूसरी को इस पे लगा देगा, फिर पहले वाली को इस पे लगा देगा, फिर दूसरी वाली को इस पे लगा देगा, फिर पहली इस पे और दूसरी इस पे। नतीजतन क्या होगा, थोड़ा अजीब सा बावड़ा सा बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। वो दिखा भी देगा ही नीचे कि क्या बनाया है इसने, कुछ इस तरह का बॉक्स बनेगा, ये सेंटर में जो बना हुआ है, इसमें देखो यही हुआ हुआ है, वो एक साइड पे ज़्यादा एक साइड पे कम है चारों कॉर्नर पे, ठीक है। बट एम्बिग्युइटी को क्लियर करने का एक सिंपल सा तरीका है, मैं पर्सनली जब मुझे यूज़ करना होता है तो मैं इसके दो वेरिएंट ही इस्तेमाल करता हूँ, तीसरे वेरिएंट पे मैं हाथ नहीं मारता, जस्ट टू क्लियर एम्बिग्युइटी। वैसे तो ज़रूरत पड़ने पर आप सारे यूज़ करें, कोई इसमें वो नहीं है। नंबर एक, फिक्स अमाउंट दे देता हूँ 5 पिक्सल, कि भाई सब तरफ ही 5 पिक्सल ले लो, ख़त्म करो बात। नंबर दो, कि सारे वैल्यू ना ये चारों अलग अलग लगाता हूँ मैं, और चारों को मैं दो दो करके वैल्यू देता हूँ, ताकि एग्जैक्टली मुझे पता हो कि किस कॉर्नर पे क्या वैल्यू जानी है। तो ये दो तरीके मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली, जिससे मुझे अच्छी ग्रिप मिल जाती है कि कौन से कॉर्नर पर कौन सी वैल्यू जानी है, ठीक है। तो हम जल्दी से इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, चारों वैल्यूज़ को मैंने कॉपी कर लिया, और चारों वैल्यूज़ को कॉपी करने के बाद ये जो मेरा पैराग्राफ है ना, इस पर मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करके देखता हूँ उसको, चारों कॉर्नर को अलग अलग अप्लाई करूँगा कंट्रोल्ड वे में। अच्छा जी, तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, एक अदद पैराग्राफ था ना, ये इंट्रोडक्शन नाम है इसका, स्प्रिंग, इसमें यूएल लगा हुआ है ना, वो है ये। अच्छा, असल में ये यूएल है, ये पैराग्राफ नहीं है, ये यूएल है। तो हम आते हैं यूएल पे लगा देते हैं, यूएल के ऊपर कोई क्लास भी नहीं लगी हुई, ये इस तरह करके इस पर लगा हुआ है, बैकग्राउंड कलर रेड। अब मैंने इसको क्या बोला, मैंने बोला है भाई चार तरह के ना आपको बॉर्डर
दिए जाएंगे, और चारों बॉर्डर को मैंने क्या कर, ठीक है मैंने कह दिया भाई 10, दस पिक्सल कॉमा 10 पिक्सल, ठीक है। अभी तो फिलहाल पहले इसको हम सीधा सीधा तो लगा के देखते हैं, फिर चारों को कंट्रोल्ड वे में करते हैं। सही है, स्पेस था ना इसमें, हो गया सही है, चारों तरफ से 10-10 पिक्सल आ गया। अब मैं जो पहला वाला कॉर्नर है सबसे मेरा, जो क्लॉक वाइज में सबसे पहला कॉर्नर है वो ये वाला पड़ता है, ठीक है, यानी टॉप से राइट की तरफ। इसको मैं आगे क्या बोलता हूँ कि भाई, अच्छा अगर मैं पहली वैल्यू बढ़ाऊँगा इसमें तो टॉप वाली चीज़ को बढ़ाएगा वो, सेकेंड वैल्यू बढ़ाऊँगा तो राइट वाली चीज़ को बढ़ाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक को बहुत बढ़ा देता हूँ, एक को मैं बहुत कम कर देता हूँ। तो एक को मैं कर देता हूँ 30 और दूसरे को मैं कर देता हूँ 5 सेव। अब ज़रा देखते हैं ये कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। अब थोड़ा इसको अगर हम जूम इन कर दें तो बेहतर तौर पे दिखेगा कि ये क्या हो रहा है। नोट कीजिए क्या हुआ है इसके साथ, ठीक है। एक तरफ से बॉर्डर रेडियस थोड़ा दूर से पकड़ा है उसने, दूर तक लेके गया 30 पिक्सल वाली जो साइड थी, और जो 5 पिक्सल वाली साइड है उसमें थोड़ा शार्प हो गया है, ठीक है। अगर मैं दोनों को 30 कर दूँ, ठीक है, तो आप नोट कीजिएगा जो शार्प हुआ है ना थोड़ा, वो अगर 30 होगा तो फिर स्मूथ हो जाएगा, वो स्मूथ हो गया वो, ठीक है। तो दोनों साइडें 30-30 हो गई मेरी। अब नीचे वाली साइड पे आ जाते हैं हम, नीचे वाली साइड पे मैं क्या करता हूँ, अच्छा नीचे वाली साइड जो है मेरी कौन सी है, वो बॉटम राइट है वो, ठीक है, क्योंकि क्लॉक वाइज में अगला पार्ट मेरे पास जो आता है वो ये कॉर्नर है, और इसमें पहला जो है वो राइट है, दूसरा जो है वो बॉटम है, ठीक है। तो पहली वैल्यू इसमें राइट है, दूसरी बॉटम है, ठीक है, एज फार एज। अभी देख लेते हैं ना, पता चल जाएगा। तो एक को मैंने कर दिया 0, दूसरे को मैंने कर दिया 10, तो 0 जिसको मैंने किया है अकॉर्डिंग टू माई क्लेम, जिसको मैंने 0 किया है वो राइट साइड है, क्योंकि क्लॉक वाइज चल रहा है ना, राइट पहले आ रहा है फिर उसके बाद बॉटम आ रहा है। दूसरे वाले को मैंने 10 पिक्सल ही रहने दिया, देखते हैं जी क्या होता है, बिल्कुल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम इसको 0 से कर देते हैं 1, थोड़ा सा मूव हुआ यार, मैंने क्या गलत दिया कुछ, अच्छा वो 10 नहीं, इसको मैं 30 करूँगा ना फिर वो फील होगा, नोट करें आप। एक साइड ना थोड़ी ऊपर तक राउंडेड हो गई है, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो एक साइड ऊपर तक राउंडेड हो गई है 30 पिक्सल तक, दूसरा 1 पे खड़ा हुआ है। अब मैं इस 1 को ज़रा बढ़ाता हूँ, 1 को मैं 5 करता हूँ ज़रा सेव, और अब मैं जूम इन करके इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि फील हो, नोट कीजिए। बस थक गया, हाँ यार इसने बिल्कुल सही कहा था, जो मैं जो समझ रहा था असल में वो नहीं है, जो कमांड में लिखा हुआ है वो है बॉटम राइट है, पहला वाला बॉटम है, दूसरा वाला राइट है, हाँ इसमें वो क्लॉक वाइज वाला अप्लाई नहीं हो रहा, बिल्कुल सही कहा था, इसमें पहले बॉटम आ रहा है क्योंकि वो कमांड में वो बात लिखी हुई है। उसके बाद है जी बॉटम लेफ्ट हमारे पास, ठीक है। तो बॉटम लेफ्ट में भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पहला वाला बॉटम है, तो पहले वाले को मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, तो वो 2 पिक्सल हो गया। इसी तरीके से चारों को ना आप अलग अलग करके कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इन सबको मैं कॉमेंट करूँ, और मैं यहाँ पर आके बता दूँ इसको बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, ठीक है, ये चारों साइड से इक्वली इसने 30-30 पिक्सल ले लिया, या 20 पिक्सल। तो ये दो तरीके जो है मैं यूज़ करता हूँ जिसमें एम्बिग्युइटी नहीं रहती, ठीक है, क्लियर क्लियर रहता है सब कुछ के यार हो क्या रहा है सब, ठीक है। बाकी जो वेरिएशंस बुक में इन्होंने बताई हुई है वो वेरिएशन सारी सही है, सारी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ईजी जो भी लगता है वो कर सकते हैं। अच्छा भाई हम ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या बचा हुआ है।
ये वाला ना, ये असल में वही किया हुआ है, बॉर्डर रेडियस को, क्योंकि चार साइड हैं इसकी और टोटल आठ वैल्यूज हैं, तो वो आठ वैल्यूज हैं, उस तरह करके दिया हुआ है, समझ रहे हो? अब इसकी जब भी तो मैं कह रहा हूँ इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, मतलब अलग अलग तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया, दो हैं तरीके, एक तो फिक्स है चारों साइड से एक जैसा, और एक है कि चारों को अलग अलग। अब ये बॉर्डर रेडियस को ना देखो, इसने चार और प्लस चार आठ वैल्यू दी हुई है। अब इसमें से कौन सी टॉप है कौन सी बॉटम है ये याद रखना मेरे लिए मुश्किल रहता है, लेकिन किसी को अगर इस क्लास में जो भी लोग बैठे हैं किसी को अगर ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि वो तो एक बार देखने की बात है ना, एक बार आप फिगर आउट कर लेंगे कि कौन सा क्या है तो ख़त्म हो गई बात। तो अगर आप में से किसी को ये तरीका आसान लगता है तो वो ये वाला करें, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई सही गलत नहीं है, सारे तरीके सही हैं, लेकिन मुझे जो तरीके आसान लगते थे और मैं जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो ये चैप्टर हमने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर लिया आज, सही है, ये चैप्टर की समरी है। ज़रा अगला चैप्टर हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। हाँ, लिस्ट टेबल एंड फॉर्म्स। अच्छा, हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारे पास ना बचा क्या है। अच्छा, लेआउट तक पहुंचना चाह रहा हूं मैं जल्दी से जल्दी, तो इसके लेआउट तक पहुंचने से पहले एक चैप्टर अभी और भी है हमारे पास, ठीक है। तो होपफुली अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हम लेआउट नहीं पढ़ेंगे, लेआउट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। लिस्ट टेबल्स एंड फॉर्म्स पे लगने वाले स्टाइल, क्योंकि कुछ CSS की स्टाइलिंग ऐसी है जो सिर्फ लिस्ट पे या सिर्फ टेबल पे या सिर्फ फॉर्म पे ही लग सकती है। मिसाल के तौर पे बुलेट स्टाइल, वो तो होता ही लिस्ट में, किसी और में होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ लिस्ट पे ही लगता है। तो इस चैप्टर में वो स्टाइलिंग डिस्कस हुई है जो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के अलावा किसी और पे नहीं लगती। जैसे टेबल की बात करें अगर हम, तो सेल स्पेसिंग, सेल हाइट, सेल विड्थ, तो सेल तो होता ही टेबल के अंदर है, तो किसी और पे ये नहीं लग सकता, सेल स्पैन वगैरह, तो वो सारी हम चीज़ डिस्कस। जैसे फॉर्म्स पे लगने वाले कुछ स्टाइल हैं जो इनपुट बॉक्स पे या बटन्स पे अप्लाई होने वाली चीज़ें हैं, वो फॉर्म्स के अलावा किसी और पे नहीं लग सकती। मेरे उठने का टाइम हो गया 8 बजे। अच्छा नहीं, मेरे सो के उठने का टाइम था, आपके उठने का टाइम नहीं था। अच्छा, अब ये बताओ कि अगली क्लास में बना के क्या लाओगे। कौन सा पेज वाला काम दिया? अरे वो टास्क थोड़ी ना है, वो तो एक जस्ट चला के देखना है। देखो, अच्छा देखो, मेरे जो मैं आमतौर पे जो टास्क देता हूँ वो स्पेसिफिक नहीं होते, टास्क थोड़े जनरल होते हैं। आपको थोड़ी सी लिबर्टी देने की कोशिश करता हूँ मैं कि आप अपनी अपना मैक्सिमम दिखा सकें आप, ठीक है। और उसका तरीका सिंपल सा यही है कि आपके ऊपर छोड़ा जाए कि आप क्या बना के लाना चाहते हैं। तो इससे पहले आपको एक बार मैंने टास्क दिया था कि एक एक वेबसाइट कोई उठा लो अपने मतलब की और उसको क्लोन करो, ठीक है। अब ये इंशाल्लाह हम सेकंड वेबसाइट बनाने जा रहे हैं अगली क्लास में। अभी अगली क्लास हमारी कब होगी? फ्राइडे को होगी। तो फ्राइडे को कोई जो पहले वेबसाइट बना चुके हैं उसके अलावा कोई भी एक वेबसाइट चूज़ करें, ट्विटर, फेसबुक, कोई भी, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट एक दोस्त ने बनाई थी, बड़ी अच्छी बनाकर लाए थे वो, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की एक दोस्त ने वेबसाइट क्लोन किया था। लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि कोड आप अपने हाथ से लिखें, उनका कोड देखें आप ज़रूर राइट क्लिक करके कि उन्होंने कैसे किया है, लेकिन आप उसके अंदर कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपने बुक में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। इंटरनेट से ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के भी कर सकते हैं अगर किसी ने बुक पूरा कर लिया तो, लेकिन कोशिश आप करें कि बुक में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको यूटिलाइज़ करने की उसमें कोशिश करें। उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और ये जो आप वेबसाइट की कॉपीज़ जो बना रहे हैं, जो क्लोन बना रहे हैं, ये आप जब गिटहब में पुश करेंगे तो ये कहीं जाएगा थोड़ी, ये पड़ा रहेगा वहाँ पर, तो ये आपका पोर्टफोलियो भी बनता चला जाएगा। फिर हमारे पास, क्योंकि हमें मार्केटिंग भी तो करनी है ना अपनी, तो उसमें दिखाने के भी काम आएगा। तो आपको क्या करना है, एक ऐसी वेबसाइट
कॉपी करनी है जिसमें ये बॉर्डर रेडियस वगैरह लगा हो, गोल बटोल सा बटन हो कोई, ढूंढ लेना ठीक है। और जो आप वेबसाइट कॉपी करेंगे मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी हमने अभी तक सीएसएस पढ़ा है वो सारा आप उसमें अप्लाई कर सकें कहीं ना कहीं। एक तो ज़बरदस्ती फिट करने वाली चीज़ होती है, जेनेरिकली आप उसको अप्लाई कर सकें। तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ऐसी वेबसाइट ढूंढने के लिए जिसमें स्टाइलिंग हुई भी हो, थोड़ी सी कलर वलर अच्छे से हो उसके अंदर, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना मैक्सिमम कहाँ तक दिखा सकते हैं, कहाँ तक आप अपने आप को लेके जा सकते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश करना है, क्योंकि आगे जो चीज़ें आने वाली हैं वो इससे ज़्यादा मुश्किल है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो नस्बतन आसान है, वैसे तो मुश्किल है लेकिन नस्बतन आसान है जो आगे आने वाला है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, अपनी लिमिट्स को पुश करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।